दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। यादों में लता, भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर देश की सबसे लोकप्रिय एवं आदरणीय गायिका थीं। प्रारंभिक काल में उन्होंने कुछ मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय तथा फिल्म उद्योग में पैर जम जाने पर कुछ मराठी फिल्में और हिंदी फिल्मों का निर्माण भी किया, 5 फिल्मों का संगीत निर्देशन भी किया। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्याधुनिक अस्पताल भी उन्होंने बनवाए, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में ही की जाती थी। उन्होंने हिंदी, मराठी एवं बंगला सहित 36 से अधिक भाषाओं में फिल्मी तथा गैर फिल्मी गाने गाए थे। उनकी मनमोहनी आवाज में ऐसा जादू था जो हर सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता था। लता की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की ताम्राज्ञी स्वीकार किया है। उनको संगीत के क्षेत्र में अनुपम योगदान के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के चारों नागरिक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को भारत स्थित मध्य प्रदेश जिले के इंदौर में हुआ था। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती देवी की बड़ी बेटी थी। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी और शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ जी ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। उनकी और शेवंती की पहली संतान थी हेमा, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से मिला। लता के बाद मीना, आशा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत संगीत और कला का वातावरण मिला और वे स्वभावतः उसी की तरफ आकर्षित हुई। लता मंगेशकर ने अपना कला क्षेत्र का पहला पाठ अपने पिता से सीखा। 5 साल की उम्र में लता ने अपने पिता के म्यूजिकल नाटक के लिए एक्ट्रेस का काम करना शुरू किया था। दीनानाथ मंगेशकर जी की मृत्यु 1942 में हो गई, तब लता मात्र 13 साल की ही थी। वे अपने सभी भाई और बहनों में सबसे बड़ी थी, तो उन पर घर का आर्थिक दायित्व आ गया था और उन्होंने अभिनय तथा गायन दोनों के द्वारा धनार्जन प्रारंभ कर दिया। एक मराठी फिल्म के लिए उनकी आवाज में एक गाना रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसमें लता का गाना नहीं था। इस बात से लता बहुत आहत हुई थी। दीनानाथ के अच्छे मित्र विनायक दामोदर एक फिल्म कंपनी के मालिक थे। उन्होंने दीनानाथ की मृत्यु के बाद लता जी के परिवार को बहुत सहारा दिया। 1945 में लता मंगेशकर जी मुंबई आ गई और इसके बाद उनका करियर धीरे धीरे आकार लेने लगा। लता मंगेशकर जी ने संगीत की शिक्षा उस्ताद अमानत अली खान से ली। वर्ष 1947 में विभाजन के बाद उस्ताद अमानत अली खान पाकिस्तान चले गए, इसलिए वो भतीजे अमानत खान से शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। 1948 में विनायक की मौत के बाद विनायक दामोदर की दूसरी हिंदी फिल्म सुभद्रा, फिर फिल्म बड़ी माँ में भजन गाए। उनके गाए भजन माता तेरे चरणों में 1946 में रिलीज हुई। वर्ष 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया, लेकिन सफलता लता से अब भी बहुत दूर थी। गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर की मुलाकात शशिधर मुखर्जी से कराई, जो उन दिनों फिल्म शहीद पर काम कर रहे थे, लेकिन मुखर्जी ने यह कहकर मना कर दिया कि उनकी आवाज पतली है। उसके बाद गुलाम हैदर ने लता जी को फिल्म मजबूर में मौका दिया।
जिसमें उन्होंने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गाना गाया, जो उनके जीवन का पहला हिट गाना बन गया। और यही कारण है कि लता जी गुलाम हैदर साहब को ही अपना गॉडफादर मानती थी। समय बदला, 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए और सभी गाने बहुत पसंद किए गए। बरसात, दुलारी, अंदाज, वो महल फिल्में हिट हुई। इसमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ और लता के पैर हिंदी सिनेमा जगत में जम गए।